Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a chain of mass m is equal to 0.8 kg and length small l equal to 1.5 meters rests on a rough surfaced table so that one of its ends hangs over the edge. The chain starts sliding off the table all by itself provided the overhanging part equals eta equal to 1 by 3 of the chain length. What will be the total work performed by the friction forces acting on the chain by the moment it slides completely off the table? चलिए बच्चों तो सवाल को देखते हैं. सवाल एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि एक चेन है ना जिसका मास m है और लेंथ स्मॉल l है. ये एक्चुअली रेस्ट कर रही है ऑन अ रफ सरफेस्ड टेबल सो दैट वन ऑफ इट्स एंड्स हैंग्स ओवर द एज, है ना, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं. अब यहां पर एक बहुत ही प्यारा डेटा दिया है. वो क्या दिया है कि चेन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टेबल ऑल बाय इटसेल्फ, है ना, खुद से ही ये फिर क्या करना चालू कर देती है, स्लाइड करना चालू कर देती है अगर ये जो ओवरहैंगिंग पार्ट है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ईटा टाइम्स द चेन लेंथ. मतलब कि अगर टोटल लेंथ ऑफ द चेन एल है तो ये पोर्शन कितना हो जाए, ईटा टाइम्स एल हो जाए. तो उसके बाद ये खुद ब खुद स्लाइड करना चालू कर देती है, ठीक है. वरना ईटा एल से कम पोर्शन अगर हैंग कर रहा होगा तो ये चेन जो है वो रुकी रहती थी, ठीक है. अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वर्क परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चेन बाय द मोमेंट इट स्लाइड्स कंप्लीटली ऑफ द टेबल, है ना. तो जब ये पूरी तरीके से क्या कर चुकी होगी, कंप्लीटली स्लाइड कर चुकी होगी, है ना, तो उस समय हमसे पूछा गया कि उस समय तक कितना वर्क डन फ्रिक्शन ने करा होगा, ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे. यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जस्ट जब ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी लेंथ ईटा एल हो जाती है, तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप है अब ये स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट ही करता है. तो फिजिक्स की भाषा में अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जस्ट मूव करना शुरू कर रहा है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस मोमेंट पर ये आखिरी बार इक्विलिब्रियम में है ना, तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं. यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे चेन को जो पुल करने वाला फोर्स है ना, वो हम लोग समझ सकते हैं कि इस पर नेट पुलिंग फोर्स, जो खींचने वाला फोर्स है नीचे की तरफ, वो कौन सा है, वो एक्चुअली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इस ईटा एल पोर्शन ऑफ द चेन पर लग रहा है ना. तो वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एल लेंथ का मास है ना, अगर एल लेंथ का मास जो है वो एम है, तो ईटा एल है ना, इतने लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू ईटा टाइम्स एल. मतलब कि ये सिंपली कितना आ गया, ये आ गया ईटा टाइम्स एम, है ना, ईटा टाइम्स एम के बराबर आ गया. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इतने से पोर्शन को देखें, है ना, सिर्फ, तो इस पर नीचे की तरफ पुल करने वाला फोर्स कौन सा लग रहा है, ईटा टाइम्स एम जी. लेकिन इसे कोई तो है जो रोक करके रख रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक अपोजिंग फोर्स है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, जो इसे क्या करके रखा है, जो इसे रोक करके रखा है. तो हम लोग यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हैं उस अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को. अब बच्चों यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो पूरा सिस्टम है ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि इस मोमेंट पर है ना, इस मोमेंट पर जो ईटा एम जी है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, जो फोर्स इसे स्लाइड नहीं करने देना चाह रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू ले लूं तो ये म्यू टाइम्स एन हो जाएगा. और यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि जो पोर्शन अभी यहां पर टेबल पर रेस्ट कर रहा है ना, उतने पोर्शन का जो वेट होगा वही नॉर्मल रिएक्शन का भी काम कर रहा है कि नहीं. तो देखिए बच्चों, अगर मैं इतने से पोर्शन को देखूं है ना, सिर्फ इतने से पोर्शन को देखूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर जो है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो कितना लगेगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर एल लेंथ का मास अगर एम है, तो एल माइनस ईटा एल, इतने लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एल, ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस ईटा, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस ईटा टाइम्स एम के बराबर. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इतने पोर्शन पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कितना लगेगा, वन माइनस ईटा इंटू एम इंटू जी के बराबर. और यही किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर प्रेजेंट नॉर्मल के बराबर. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ईटा एम जी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यहां पर एन की वैल्यू क्या रख देंगे, वन माइनस ईटा इंटू एम जी के बराबर.
तो चलिए वही चीज यहां पर लिख देते हैं, ईटा एम जी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ईटा इंटू एम जी के बराबर। तो यहां से एम जी से एम जी देखिए क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहां से देखिए हमारे को म्यू की वैल्यू मिल जा रही है ना, म्यू कितना आ जा रहा है, ईटा डिवाइडेड बाय वन माइनस ईटा के बराबर। क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमारे को मिल गया, और इसका इस्तेमाल अब हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग यहां पर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि किसी मोमेंट पर एक्स लेंथ ऑफ द चेन जो है वो ओवरहैंग कर रहा है, और एल माइनस एक्स पोर्शन जो है अभी भी क्या है वो टेबल पर है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या बोलने वाले कि इस मोमेंट पर एक्स लेंथ हैंग कर रहा है और अगले मोमेंट पर मान लीजिए कि यहां पर डीएक्स और एड होने वाला है ना, ऊपर से डीएक्स लेंथ जो है वो और स्लाइड होकर के नीचे आने वाला है। तो हम लोग इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, तो आइए सोचते हैं डी डब्ल्यू एफ है ना, स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस समय हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू को इस dx है ना, ये जो dx एलिमेंट है वो जब नीचे आया तो इस छोटे से इंटरवल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा इस मोमेंट पर है ना, एल माइनस एक्स लेंथ जब यहां पर था तो उस समय जो एम जी लग रहा था उसी के बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कह दूं है ना, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मैं यहां पर सिंपली क्या लिख सकता हूं कि एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस एक्स। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा कि जो स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हो जाएगा माइनस म्यू इंटू, अब मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा लैम्डा एल माइनस एक्स इंटू जी है ना, ये जो एम जी है यही तो बेसिकली नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है इस समय के। ठीक है, तो म्यू इंटू एन ये तो हो गया फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी एक्स का हुआ है कि नहीं बच्चों, है ना, ये पूरी की पूरी लेंथ जो है चेन की ये डी एक्स डिस्टेंस से आगे स्लाइड करी है, तो यहां पर डी एक्स आ गया। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ लेफ्ट की तरफ डी एक्स से, है ना, तो ये आ गया स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऑलराइट, तो अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ओवरऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना कह देंगे, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा है ना, और म्यू की वैल्यू क्या रख दें, म्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है ईटा अपॉन वन माइनस ईटा। ठीक है, ये तो हमने म्यू की वैल्यू रख दी, फिर क्या रख देंगे लैम्डा, तो लैम्डा जो है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास जो है वो कितना है चेन का, एम है, और टोटल लेंथ चेन की एल है, तो लैम्डा हो गया एम अपॉन एल, और जी भी तो कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, एल माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर ही बात? तो अब देखिए बच्चों, हमारे को एक्स की लिमिट भरनी है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओवर हैंगिंग पार्ट है उसकी वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत में एक्स की वैल्यू थी ईटा टाइम्स एल के बराबर, और फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एल, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन जो है अब ओवरहैंग करने लगेगा है ना। तो अब इसे सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और जवाब आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले तो लिख देते हैं माइनस ईटा एम जी अपॉन वन माइनस ईटा टाइम्स एल है ना, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एल माइनस एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा बच्चों एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू, और एक माइनस भी आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर हम लोग लिमिट भर देंगे ईटा एल से लेकर के एल तक। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ईटा एम जी अपॉन वन माइनस ईटा इंटू एल, और यहां पर टू का भी एक टर्म आ जाएगा ना, और अब लिमिट भर देते हैं, तो जब एल भरेंगे तो यहां पर एल माइनस एल जीरो हो जाएगा, और अब क्या भरेंगे एक्स की वैल्यू ईटा एल, तो ये बन जाएगा एल माइनस ईटा एल है ना इसकी पावर टू। क्लियर ही बात? तो देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ना। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि हम लोग जब अपर लिमिट भरे तब तो जीरो आया लेकिन जब लोअर लिमिट भरेंगे तो एक माइनस साइन भी आएगा है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है माइनस ईटा एम जी अपॉन ट्वाइस ऑफ वन माइनस ईटा इंटू एल। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर एल स्क्वायर जो है वो बाहर आ जा रहा है, और ये क्या बन जा रहा है वन माइनस ईटा की पावर टू, तो वन माइनस ईटा और एक वन माइनस ईटा गया,
एल से एक एल चला गया, तो देखिए फाइनली हमारे पास जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जा रहा है वो सिंपली कितना आ जा रहा है, माइनस ईटा टाइम्स एम जी इन टू एल मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ईटा होल डिवाइडेड बाय टू। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, एंड आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।